गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम अपने क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल थॉट से करते हैं। हमारा थॉट है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट्स डन। ये बेटा, कोई भी काम असंभव लगता है जब तक कि हम उसको कर नहीं लेते। कहने का मतलब ये है कि बच्चों, अगर हम काम को देख के ही समझने की कोशिश करेंगे कि यह संभव हो नहीं पाएगा, तो काम निश्चित ही जब हम करेंगे ही नहीं तो कहाँ से होएगा। तो जब हम कर लेते हैं तो असंभव काम भी हो जाता है, असंभव सा लगने वाला काम भी संभव हो जाता है, हम उसको कर लेते हैं, वो काम ख़त्म हो जाता है। मतलब कहने का मतलब, कुछ बच्चे मेहनत करना नहीं चाहते, हर काम को असंभव मान के उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। अगर हम किसी काम को संभव ना माने, करने का प्रयास करें, तो निश्चित ही वो संभव होगा और कंप्लीट होगा। ओके बच्चों, आज हम अपना क्षितिज बुक का लेसन चैप्टर जो है 4 पढ़ेंगे। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट का सांवले सपनों की याद लेसन पढ़ाऊंगी, जिसके राइटर का नाम जाबिर हुसैन है। जो कि आपका चैप्टर 4 है गद्य संकलन का। जाबिर हुसैन जी के बारे में मैं अब आपको कुछ जानकारी देती हूँ। जाबिर हुसैन जी का जन्म सन 1945 ईस्वी में गांव नौनी राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। जाबिर हुसैन जी उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में लेखन करते थे। उनका समान अधिकार था तीनों भाषाओं में। उनकी हिंदी रचनाओं में गुलाबी डोली, बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। कहने का मतलब यह है कि जो जीवन में संघर्ष करते हैं समाज में, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत तीखी नज़र रखी है। और संघर्ष आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विद्या में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत पाठ सांवले सपनों की याद जो ये है, ये 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी साहिल आलिम की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। ये पशु वैज्ञानिक जो सालिम अली जी है, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद लेखक ने लिखा है, क्योंकि लेखक को उनकी मृत्यु पे बहुत ही दुख हुआ है और उन्होंने इस कहानी में उनके बारे में सारे वृतांत लिखे हैं। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और व्यक्ति की शैली दिल को छूती है। मतलब कहने का है कि कहानी जो है, जो लेखक जो लिख रहे हैं, वो ऐसी बातें उन्होंने लिखी हैं जो दिल को भी छू गई हैं और एक रहस्यवादी रूप में है, जिनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन समझ में आ जाता है। अब मैं आपको सांवले सपनों की याद के बारे में, कहानी के बारे में बताती हूँ। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पे सवार, सुनहरे परिंदों में बोलते हैं गोल्डन बर्ड्स, मतलब सुनहरी चिड़ियों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम। सांवले सपने बोलते हैं दुख वाले सपने को, जिस सपने से दुख पहुंचता है, जिसको याद करके हमें बहुत दुख होता है, ऐसे सपनों को सांवले सपनों की याद कहते हैं, कहा गया है इस कहानी में। एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अक्सर है, मतलब सालिम अली जी की मौत हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, और सालिम अली जी एक पक्षी वैज्ञानिक थे।
और मृत्यु के बाद वो हर जगह एक उदासी सी छा गई है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, मतलब इस मौत पर किसी का भी अधिकार नहीं है, इस पे कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता है। मृत्यु संभाविक होती है और मृत्यु पर किसी का भी बस नहीं चलता है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। लेखक बोल रहे हैं कि सालिम अली की मृत्यु होने के पश्चात सालिम अली की अर्थी सबसे आगे आगे लेके जा रहे हैं अपने कंधों पर, सैलानियों की तरह अपने अधीन सफ़र का बोझ उठाए। लेखक बोलते हैं जैसे कि टूरिस्ट लोग अपने कंधे पे बोझ उठा के चलते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सालिम अली जी अपने कंधों पे बोझ उठाए जा रहे हैं। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। कहने का मतलब यह है कि सालिम अली का जीवन जो वो पशु पक्षियों पे रिसर्च करते रहे, ये सफ़र जो है और सफ़र से भिन्न है। और सफ़रों में जब सालिम अली जाते थे तो लौट के घर आते थे, लेकिन इस ये सफ़र और सफ़रों से भिन्न है, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल में सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। लेखक बोल रहे हैं कि भीड़ भाड़ की जो ज़िंदगी हम लोग की है और तनाव के माहौल वाली, हर क्षण लोग आक्रोश में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, हर समय हम लोग संघर्ष वाले जीवन को जीते हैं, भीड़ में रहते हैं, पूरी दुनिया के बीच में रहते हैं, और तनाव के माहौल से सालिम अली का आखिरी पलायन है, मतलब ये उनका अंतिम सफ़र है, आखिरी पलायन है। और सफ़र में सालिम अली ने जाते हुए लौट के घर आते थे, लेकिन ये सफ़र जो है आखिरी सफ़र है, वो लौट के वापस नहीं आएंगे। लेखक को इस बात से गहरा दुख पहुंचा है और इस कहानी में उनके व्यक्तित्व का वो चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। बोल रहे हैं लेखक कि जैसे वन पक्षी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, उसी तरह वो प्रकृति में विलीन हो गए हैं। जिंदगी का आखिरी गीत, मतलब पूरे जीवन उन्होंने पक्षियों के लिए काम किया है और आज वो उसी में समा गए हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह कवि के कहने का मतलब ये है कि कोई चाहे कि हम अपनी ज़िंदगी देकर, अपने दिल की धड़कन देकर, उसको देकर के दोबारा सालिम अली जी को लौटा लाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। मरे हुए प्राणियों को लौट कर आना मुमकिन नहीं है। कोई अपने दिल की धड़कन देकर उन्हें वापस नहीं ला सकता है। वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा, मतलब लेखक कहते हैं कि उनको ज़िंदा नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस पक्षी को दोबारा गाना गवाना चाहेगा। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि जो सोए हुए सालिम अली हैं जी हैं, उसे कोई जगाना चाहेगा। जो उन्होंने ज़िंदगी भर संघर्ष किए हैं प्रकृति के लिए, पक्षियों के लिए एक एक सांस लगा दी है, उन्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। बरसों पूर्व सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। सालिम अली बोलते थे, उन्होंने अपने कहा था कि लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं जो पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखना चाहते हैं। पक्षियों का कल रो, उनका संगीत, प्रकृति की दुनिया, इन सब चीज़ों से मनुष्य अलग होता जा रहा है। कोई भी प्रेम भाव नहीं है पक्षियों के लिए, ये उनकी भूल है। ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य सोचते हैं
ये उनकी भूल है। प्रकृति के लिए, जीव जंतुओं के लिए उनके हृदय में प्रेम होना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों, आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं। वो कहते हैं कि जो प्रकृति में झरने हैं, बहुत सारे फल फूल झरने हैं, हरियाली है, जितनी भी चीज़ें हैं प्रकृति में, आदमी की नज़र से देखने को लोग उत्सुक रहते हैं। लोग प्रकृति के प्रति प्रेम नहीं रखते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? वे कहते हैं लेखक कि आज मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि उन्हें पक्षियों का कलरव का संगीत कोई भी चीज़ मोहित नहीं कर रही है। एहसास की ऐसी ही उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। लेखक बोल रहे हैं कि सालिम अली जी जो हैं वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ जीवन में हासिल करना चाहते हैं। उन लोगों में से बहुत ही संघर्ष का सामना उन्हें करना पड़ता है और यही उतार चढ़ाव जो है सालिम अली जी के जीवन में भी दुख सुख यही सब उतार चढ़ाव संघर्ष उनके जीवन में आया था। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी। और लेखक बोल रहे हैं कि पता नहीं कब इतिहास में ऐसा लिखा है कि वृंदावन ने कृष्ण जी ने रास लीला रची थी और गोपियों की अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, मतलब गोपियों से नोकझोंक करते थे, उनके साथ खेलते थे और उनके साथ प्रेम कीड़ा करते थे, कम माखन के भरे पहाड़े फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाव में विश्राम किया करते थे। कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाव में विश्राम करते थे वो, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। कहते हैं कि कृष्ण मधुर बांसुरी बजाते थे और पता नहीं कब वृंदावन की दुनिया संगीत में हो जाती थी। और जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो दुनिया वृंदावन की सारी दुनिया भाव विभोर हो जाती थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन आज कोई वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी, कहते हैं लेखक कि आज भी हम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ का पानी है तो सांवला पानी पूरे यमुना नदी जो है वृंदावन में बहती है, वहाँ का पानी अभी भी सांवला है, वो पूरे घटनाक्रम को हमें याद दिला देता है। और जब लोग इस सांवले पानी को देखते हैं जो कृष्ण जी ने वहाँ पर लीलाएँ की थी, तो वो एक एक लीलाएँ जो उन्होंने की थी वो सारी दृश्य आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले, लेखक जब कहते हैं कि जब वहाँ सूरज निकलने से पहले, जब पतली गलियों से उत्साह बड़ी नींद की ओर नदी की ओर बढ़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। बोलते हैं कि जब पतली गली से जब भीड़ निकलती है तो वृंदावन में ऐसा लगता है कि हो ना हो कहीं से कृष्ण आ जाएंगे और बांसुरी बजाकर वहाँ से निकलेंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का मालिक सैलानियों को हिदायत देगा, तो मतलब शाम होने के बाद कृष्ण जी जब लोग जब दर्शन करने जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो माली होते हैं वो हिदायत देते हैं कि शाम के वक्त वहाँ नहीं जाया जाता है। ऐसा लगता है कुछ ही क्षणों में कहीं से वो आ जाएंगे और जो कृष्ण जी के प्रेम में जो मग्न रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कृष्ण कहीं से आ जाएंगे और कहीं ना कहीं से हमें दर्शन दे देंगे और संगीत भरी जादू पूरे माहौल में छा जाएगी।
हम जब कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो पूरा वाटिका, बाग बगीचा जो भी है, ऐसा लगता है कि हर जगह मधुर संगीत छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण के जादू से खाली हुआ है क्या? लेखक कहते हैं कि कभी भी वृंदावन जो है कृष्ण की बांसुरी के जादू की आवाज़ से खाली नहीं हुआ है। हर क्षण उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ का वातावरण कृष्णमय है और वहाँ का वातावरण मनोरम दिखता है। मृतकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए। अब फिर वो लेखक जो हैं सालिम अली के बारे में बोल रहे हैं कि अब हम लोगों ने मिथक की दुनिया, बहुत सारे मिथक की दुनिया में, जैसे हमारे देश में गांधी जी आए तो एक गांधी जी के बारे में जो आइंस्टाइन जो थे, वो आइंस्टाइन जो बड़े साइंटिस्ट थे, तो वो गांधी जी लिखते हैं कि गांधी जैसे मांस हाड़ मांस का पुतला जो चला था, वो आने वाली पीढ़ी कभी समझ नहीं पाएगी कि गांधी जी की जैसे हाड़ मांस का पुतला इस धरती पे चला था। उनका इशारा भी इसी ओर है, इसी को हम मिथक कहते हैं। कभी बोल रहे हैं कि उनकी उम्र जो है सालिम अली की उम्र है कभी करीब 100 तक पहुंच गई थी। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और जब तक सालिम अली रहे हमेशा एक अच्छे स्वभाव के थे, पशु पक्षियों के लिए हमेशा कार्यरत रहते थे। और लेखक को ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबी थकान के कारण उनका शरीर जो है कमज़ोर हो गया था ऐसा लगता है, और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उसकी मौत का कारण बनी हो, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत के कारण होगी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। वो बोल रहे हैं कि अंतिम समय तक आंख भी रोशनी उनकी कमज़ोर नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। हमेशा वो जो थे पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति, सुरक्षा के प्रति लगे रहते थे। कभी उनकी आंखों की रोशनी कम नहीं हुई क्योंकि उनके मन में, जिसके अंदर मन में जोश और लगन काम करने के लिए आ जाता है, स्वाभाविक है उनके अंदर एक शक्ति आ जाती है। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। लेखक बोल रहे हैं कि सालिम अली की जब मृत्यु हुई तब तक उनके गले में दूरबीन लटकी हुई थी और वो उस दूरबीन से दूर दूर के पक्षियों को देखते थे और उनकी हिफाजत के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा सालिम अली जी प्रयास करते थे, कार्यरत रहते थे। उन जैसा वर्ल्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। लेखक बोलते हैं कि उनका जैसा वर्ल्ड वाचर पशु पक्षी वैज्ञानिक में शायद ही कोई हुआ हो, कोई भी नहीं हुआ यानी। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। कभी वो कहते हैं कभी कभी ऐसा समय भी होता था जब अकेले में वो सालिम अली जी होते थे तो बिना दूरबीन के होते थे और दूर दूर तक चीज़ों को देख लेते थे। चू छितिज तक फैली ज़मीन और चुके आसमान को छूने वाली, मतलब जहाँ धरती आसमान मिलती है वहाँ तक की चीज़ों को वो देख लेते थे। उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय उनको अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। जहाँ सालिम अली जाते थे अपना प्रभाव से, अपने स्वभाव से सबका मन मोह लेते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरह एक हस्ती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी, मतलब प्रकृति की एक एक चीज़ से उन्हें प्यार था।
सालिम अली प्रकृति प्रेमी भी थे। ये दुनिया इन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। कहने का मतलब है कि ऐसा जो लोग होते हैं काफ़ी मेहनती होते हैं, बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। इनके गढ़ने में उनके जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना जो है उनकी पत्नी थी, उनके आगे बढ़ने में उन्होंने काफ़ी सहयोग किया था। तहमीना स्कूल के दिनों में उसकी सहपाठी रही थी, मतलब दोनों लोग एक ही साथ स्कूल में पढ़े थे। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभव के मालिक लेखक कह रहे हैं कि अपने उनके जीवन में काफ़ी अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ था। सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली, केरल की जो साइलेंट वैली एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ रहती हैं, उनको रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर रेगिस्तानी जो हवा चलती थी तो वो साइलेंट वैली उजड़ जाती। तो उन झोंकों से बचने के लिए वो अनुरोध लेकर वो चौधरी चरण सिंह से मिले थे, लेकर पहुँचे थे। और चरण सिंह जी जो थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पे पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का सर जानने वाले नेता थे। मतलब चौधरी चरण सिंह जी थे वो बहुत अच्छे नेता थे, किसान नेता थे। और जो किसान नेता होते हैं उनको पता होता है कि जब तक धरती पे एक भी बूंद पानी का पड़ता है तो पृथ्वी पे रौनक आ जाती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, बिना पानी के प्रकृति उजड़ जाएगी। और जब बारिश होती है तो पेड़ पौधे लहराने लगते हैं, वातावरण जो है हरियाली में हो जाता है। तो चौधरी चरण सिंह जी को मालूम था कि प्रकृति क्या होती है, प्रकृति से उन्हें गहरा लगाव था। तो इसीलिए उन्होंने सालिम अली से सारी बातों को बहुत ही गहराई से सुना था उन्होंने, और साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा से झोंकों से बचाने के लिए बहुत सारे इंतजाम वो करते हैं। पर्यावरण के संभावित चीज़ों को प्रकृति में जो रेगिस्तानी जीवों को रेगिस्तानी हवा से जो खतरा पहुंचता उससे चौधरी चरण सिंह से के सामने जब जिक्र करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, उनकी आंखों में नमी आ जाती है कि वो कहते हैं ऐसे हम नहीं होने देंगे, अपनी जीव जंतुओं को बचाने के लिए बहुत ही प्रयास करेंगे। और ऐसा उन्होंने किया भी होगा। आज सालिम अली नहीं हैं, लेखक को घोर निराशा उनके हृदय में छा गई है। और सालिम अली आज विदा हो रहे हैं, अब चौधरी साहब भी नहीं हैं, कौन बचा सकता है। बोल रहे हैं कि अब इन धरती के पक्षी ये पशु हैं, उनको कौन बचा सकता है, ऐसे आदमी कहाँ से आएंगे, किसके हृदय में ऐसा उमंग और प्यार पक्षियों के लिए होगा जो पक्षियों के लिए इतना काम करेंगे। सोंधी माटी पे होगी, एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प उठेगा। सालिम अली जैसे प्रकृति प्रेमी, पक्षी प्रेमी और चौधरी चरण सिंह जैसे प्रेमी कौन आज होंगे जो ये सब कदम उठाएंगे। कौन बचा है हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पे जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। कहते कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की जो जिसमें बहुत सारी बर्फ़ जमी रहती है इस पर जो पक्षी पशु पक्षी जो होते हैं उनको बचाने के लिए कौन वकालत करेगा, मतलब इसके तरफ किसका ध्यान जाएगा। आजकल के ज़माने में सब लोग अपने ही तक सीमित रह गए हैं, अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों तक ही उनका जीवन रह गया, अस्तित्व रह गया है। बहुत ही कम ही लोग ऐसे मिलते हैं जो सारे पशु पक्षी और प्रकृति के लिए और सबके सुख के लिए हाथ बटाते हैं।
तो आज लेखक को गहरा दुख हो रहा है कि ऐसे व्यक्ति कहाँ से मिलेंगे। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ द स्पैरो। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, अपने बारे में लिखा था, उसका नाम था फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया, लेखक बोलते हैं कि मुझे एक बात याद आ गई है, डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने, डीएच लॉरेंस जी हैं जो पक्षी प्रेमी पक्षी विज्ञानी प्रेमी थे, आज लेखक को उनकी भी याद आ गई है। लोगों ने उनकी पत्नी फीरा लॉरेंस से अनुरोध किया था, फीरा लॉरेंस जो है उनकी पत्नी थी, फीरा लॉरेंस से लोगों ने अनुरोध किया था कि वो अपने पति के बारे में लिखें। जब डीएच लॉरेंस की मौत हो गई थी तो उनकी पत्नी से अनुरोध किया गया था, उनसे बोला था लोगों ने कि अपने आप अपने पति के बारे में कुछ बताइए कि उन्होंने कौन कौन सा काम किया। तो फीरा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन अगर लेखक कह रहे हैं अगर फीरा चाहती तो बहुत सारा अपने पति के बारे में लिख सकती थी जो भी उन्होंने काम किया, लेकिन उन्होंने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना संभव सा है। बोल रहे हैं कि जो भी लॉरेंस ने काम किया है वो लिखना असंभव है, उनकी पत्नी कह रही हैं कि मैं जो कि नहीं कर सकती, उसके रहस्य को मैं उजागर नहीं कर सकती, लोगों के सामने मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे महसूस होता है मेरी छत पे बैठने वाली एक गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। उनकी पत्नी कहती हैं कि मेरी छत पे गौरैया बैठी है, उस गौरैया से आप पूछिए कि उन्होंने क्या काम किया है, क्योंकि पशु पक्षी जो भी होते हैं उन्हें जब प्यार मिलता है भले ही वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं मौन भाषा में भी, बंद हो गया क्या, याद करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि गौरैया को, इसलिए वो कह रही है कि गौरैया जो है उनको ज़्यादा मालूम है, जो छत पे बैठी है उदास वो गौरैया, तो उसे उन्हें भी चिंता है कि डियर लॉरेंस उनकी हिफाजत करते थे और आज वो गौरैया और मौन बैठी हुई है, इसीलिए पत्नी उनकी बोल रही हैं कि मुझसे ज़्यादा गौरैया जानती है उनके बारे में, वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था, वो सच में इतने सादे दिल के आदमी थे, तो उनका हृदय सच्चा हृदय था। उन्होंने जो भी काम किया है सब अच्छा काम किया है, मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में मेरी हड्डियों में समाया हो। उनकी पत्नी बोल रही हैं कि लॉरेंस मेरी रगों में मेरे हृदय में समाया हुआ है, मेरी हड्डियों में भी समाया हुआ है, मेरे शरीर में समाया हुआ है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है, वो बोल रही हैं लेकिन मेरे लिए बहुत कठिन है उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए, एक नहीं करोड़ों लाखों काम किए हैं, तो मैं उनको अनुभव का शब्दों का जामा कैसे पहना सकती हूँ, मैं उस भावनाओं को कैसे व्यक्त कर सकती हूँ, वो भावनाएं समझी जा सकती हैं लिखी नहीं जा सकती। मुझे यकीन है मेरी छत पे बैठी गौरैया उसके बारे में, हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती हैं। लेखक बोल रहे हैं कि उनकी पत्नी मेरे पति के बारे में जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं मुझसे मत पूछिए, छत पे बैठी गौरैया से पूछिए, एक एक बात का वो जानकारी वहाँ से प्राप्त आपको हो जाएगी। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। लेखक बोल रहे हैं कि आज कि उनको एक जटिल प्राणी बोला गया है कि वो हमेशा सालिम अली हमेशा के लिए हमेशा एक पहेली बने रहेंगे, क्योंकि आजकल के जो व्यक्ति हैं, आजकल के व्यक्ति स्वार्थी हो गए हैं, कुछ भी अच्छा बुरा कौन क्या कर रहा है
जाबिर हुसैन जी भी एक लेखक हैं, उनकी दृष्टि कैसे पड़ गई कि वो सालिम अली के बारे में आज वो लिखे हैं। और हमारे समाज में, हमारे देश के कोने कोने में ऐसे बहुत सारे इंसान हुए हैं जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, प्रकृति के लिए बहुत कुछ काम किया है, लेकिन वो काम कोई उजागर नहीं करना चाहता, बस अपने बच्चों में, अपने परिवार में और अपना धन इकट्ठा करने में ही लगे रहते हैं। उन सबों से उन्हें कुछ भी मतलब नहीं रहता है, तो इसीलिए लेखक वो निराश हो गए हैं और बोल रहे हैं कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली जो है एक पहेली बने रहेंगे, वो कुछ भी नहीं जान पाएंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिनने वाली नीले कंठ की वो गोरैया, मतलब कि बचपन में एक बार ऐसा हुआ था कि उनकी एयर गन से नीले कंठ वाली गोरैया घायल हो गई थी, और जब घायल हो गई थी तो उसी दिन उन्होंने प्रण कर लिया था कि वह जीवन भर पक्षी के लिए समर्पित हो जाएंगे, उनकी हिफाजत के लिए, देख रेख के लिए समर्पित हो जाएंगे, अपनी पूरी ज़िंदगी उनके लिए हम लगा देंगे। एक छोटी सी गलती के कारण उन्होंने पूरा जीवन पक्षियों के देखभाल में लगा दिया। और आजकल जो लोग हैं, पता नहीं रोज़ रोज़ कितनी गलतियां करते जा रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि वहां तक नहीं जाती कि वो उन्होंने क्या किया है। लेकिन सालिम अली ने एक छोटी सी गलती की थी और जो उनके जीवन में प्रेरणा बन गई और नए नए रास्ते की तरफ ले जाती रही। हर जगह वो पक्षियों के लिए, हिफाजत के लिए, उनकी देख रेख के लिए काम करते रहे। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी टिका नहीं। मतलब सालिम अली को बहुत सारे पुरस्कार मिले थे, पर बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले थे, लेकिन फिर भी वो इतनी ऊंचाइयों पे चढ़ने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ऊंचे पद पे हैं। वो एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे, उनके जीवन में कोई भी छल प्रपंच नहीं था, उनका जीवन खुली किताब के समान था। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, जैसे लॉरेंस जैसे जो थे, लॉरेंस की जैसे उनकी ज़िंदगी, उतनी ऊंचाइयों पर चढ़ने के बाद भी वो उनका जीवन सीधा साधा था, उसी तरह भी सालिम अली ने अपने जीवन में कभी भी कोई भी घमंड नहीं लाए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथा सागर बन के उभरे थे। सालिम अली जी जो थे, लेखक बोल रहे हैं कि जो उनका स्वभाव था, वो टापू बनने के बजाय एक टापू तक ही, छोटा तालाब तक ही सीमित नहीं था, उस सागर के समान उनके समान थे। वो एक ही, उनकी हृदय जो था छोटा नहीं था, एक विस्तृत रूप में था, जो वो अपने व्यक्तित्व को पशु पक्षियों को सेवा के लिए लगाए रखते थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, उनकी आयावरी से परिचित थे, लेखक कह रहे हैं कि जो लोग उनकी, सालिम अली जी के बारे में जानते हैं, वो हमेशा भ्रमणशील स्वभाव के थे, वो एक जगह स्थिर नहीं रहने वाले थे, वो हर छल हर पल पक्षियों के लिए कार्य करते थे, उनकी हिफाजत के लिए एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते थे। मालूम होता है कि आज भी वो पक्षियों की खोज में निकले हैं, जैसे उनको लग रहा है कि सालिम अली जी की मृत्यु नहीं हुई है, वो पक्षियों की तलाश में कहीं निकले हुए हैं। और अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए, उनको ऐसा लग रहा है कि सालिम अली जी जैसे गले में सालिम अली जी लंबी दूरबीन लटकाए रहते थे, वही लटकाए वो वापस लौट आएंगे और पशु पक्षियों की तलाश करने के बाद ऐसा लग रहा है कि हो ना हो कि वो अभी लौट आएंगे। और जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। लेखक बोल रहे हैं कि
अभी हम उनको नहीं गया हुआ मानेंगे, उनकी मृत्यु हो गई है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी वो लौट के आएंगे और ज़रूर आएंगे, लेकिन उनकी आंखें नम हैं। लेखक गहरा दुख पहुंचा उनको सालिम अली जी की मृत्यु का, और उनकी आंखें नम हो गई हैं, उनके आंसू आ गए हैं। सालिम अली तुम लौटोगे ना, फिर लेखक बोल रहे हैं कि सालिम अली मुझे ऐसा विश्वास है कि तुम ज़रूर लौटोगे सालिम अली, तुम आखिर लौटोगे। तो बच्चों इस कहानी में इस जो है लेखक ने सालिम अली जी के बारे में लिखा है, वो पक्षी प्रेमी थे, तो इन्होंने बताया है कि किस तरह उन्होंने पक्षियों की भलाई के लिए काम किया। ऐसे इंसान होना बड़ा मुश्किल है, वो उनकी मौत को भुला नहीं पा रहे हैं। मंगला पब्लिक स्कूल 69। बच्चों अब PDF नहीं जा रहे हैं तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर अब इस लेसन का समझा देती हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। जैसा कि बेटा लेसन में बताया गया है, इसका आंसर ये होगा, एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से गोरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उनके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई, वे पक्षी प्रेमी बन गए। मतलब क्या है, एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से गोरैया घायल हो गई थी, इस घटना से सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। इस घटना ने वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। इसके बाद उसकी पूरी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई, वे पक्षी प्रेमी बन गए। ठीक है, यह इसका आंसर होगा। कि दूसरा क्वेश्चन है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों को चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। तो ये भी बताया है मैंने कि मतलब जो जो पक्षियों के लिए कठिनाइयाँ थी उनका चित्र खींचा था। तो देखिए इसका आंसर हुआ, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उसके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को ना बचाया गया तो उनके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देख उनकी आंखें नम हो गई। तीसरा क्वेश्चन है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरे छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो आंसर होगा, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गोरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गोरैया के साथ बिताते थे। गोरैया भी उनके साथ अतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इस पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक कहा। ठीक है, मतलब जो उनकी पत्नी थी वो, उनका कहना था कि मैं उनकी चीज़ों को नहीं बता सकती, ये तो वो गोरैया बता सकती है जो काफ़ी उदास से छत पे बैठी हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे स्पष्ट कीजिए, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो इसका आशय यह है कि लॉरेंस बनावट से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन जीते थे। वे प्रकृति से प्रेम करते हुए उनकी रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। इस तरह सालिम अली ने प्रकृति की सुरक्षा देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा एवं सरल जीवन जीते थे। कि दूसरा है, आशय स्पष्ट कीजिए, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो इसका आशय यह, मृत्यु ऐसा सत्य है जिसके प्रभाव स्वरूप मनुष्य संसारिकता से दूर होकर चिर निंद्रा विश्राम प्राप्त कर लेता है। उसका हंसना गाना चलना फिरना सब बंद हो जाता है। मौत की गोद में विश्राम कर रहे सालिम अली की भी यही स्थिति थी। अब उन्हें किसी तरह से पहली जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता था। तीसरा है, आशय स्पष्ट कीजिए, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथा सागर बनकर उभरे थे। तो इसका आशय ये, टापू समुद्र से उभरा हुआ छोटा भूभाग होता है जबकि सागर अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है। सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। वे इसके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथा सागर सा बन जाना चाहते थे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की चार विशेषताएं बताइए। आपको भाषा शैली की चार विशेषताएं बतानी है। तो सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। इसमें लिखेंगे, इस पाठ में उर्दू, तद्भव और संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। लेखक ने उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। उदाहरणता, जिंदगी, परिंदा, खूबसूरत, हुजूम, खामोश, सैलानी, सफ़र, तमाम, आखिरी, माहौल, खुद। संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी प्रचुरता से हुआ है, जैसे संभव, अंतहीन, पक्षी, वर्ष, इतिहास, वाटिका, विश्राम, संगीत में प्रतिरूप। जाबिर हुसैन की शब्दावली गंगा जमनी है। इन्होंने संस्कृत उर्दू का इस तरह प्रयोग किया है कि वे सगी बहने लगती हैं, जैसे अंतहीन सफ़र, प्रकृति की नज़र, दुनिया, संगीत में जिंदगी को प्रतिरूप। इन प्रयोगों से एक शब्द संस्कृत का तो दूसरा उर्दू का है। फिर दूसरा क्वेश्चन है जटिल वाक्यों, दूसरा पॉइंट है जटिल वाक्यों का प्रयोग। जाबिर हुसैन की वाक रचना बंकिम और जटिल है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते, कलात्मकता उनके हर वाक में। उदाहरणता, सुंदर परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, सबले सपनों का याद, एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अक्सर है। ये उदाहरण के रूप में उनके कुछ बात मैं बता रही हूँ। पता नहीं इतिहास में जब कब कृष्ण ने वृंदावन उनमें रासलीला रची थी और सौ गोपियों को अपनी शरारत का निशाना बनाया था। तीसरा पॉइंट, अलंकारों का प्रयोग उन्होंने किया है। जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उपमा, रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। उदाहरणता, अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, ये उपमा अलंकार है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथा सागर बनकर उभ रहे थे। रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है, ये रूपक अलंकार है। फिर चौथा पॉइंट है भावानुरूप भाषा। जाबिर हुसैन भाव के अनुरूप शब्दों वाक्यों की प्रकृति बदल देते थे। उदाहरणता, कभी वे छोटे छोटे वाक्य प्रयोग करते थे, आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कभी वे उत्तेजना आने के लिए प्रश्न शैली का प्रयोग करते थे और जटिल वाक्य बनाते चले जाते हैं, जैसे कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा, कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। लेखक ने सालिम अली का जो चित्र खींचा है वो इस प्रकार है। सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी हैं थे। एक बार बचपन में उनकी एयर गन से घायल होकर नीले कंठ वाली गौरैया गिरी थी। उसकी हिफाजत और उससे संबंधित जानकारी पाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया उससे पक्षियों के बारे में उठी जिज्ञासा ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। वे दूर दराज घूम घूम कर पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे थे, उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रकृति की दुनिया के अथाह सागर बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर हो जाता है और कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये सपने सांवले क्यों हैं, कौन इन सपनों की याद में आतुर है आदि। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित हैं। सालिम अली जीवन भर के सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहते हैं, वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते, हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता, लेकिन इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसती थी। ये शीर्षक सार्थक है तो है, किंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस कर इनका अर्थ व प्रभाव तक पहुँचा जा सकता है। फिर रचना अभ्यक्ति का एक क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को व्यक्त करता है, पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं। आंसर है, सांवले सपनों की याद सालिम अली ने पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता प्रकट की है। उन्होंने केरल की साइलेंट वादी को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उसे बचाने का अनुरोध किया। इस तरह अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम विभिन्न रूपों में अपना योगदान दे सकते हैं। अपने आसपास पड़ी खाली भूमि पर अधिकाधिक पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करें, लोगों को पेड़ पौधों की महत्ता बताएं, हम जल स्रोतों को ना दूषित करें ना लोगों को दूषित करने दें,
फैक्ट्रियों से निकले अपशिष्ट पदार्थों में से जल को जल स्रोतों में न मिलने दें। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग कम करें। इधर उधर कूड़ा करकट ना फेंकें तथा ऐसा करने से दूसरों को भी मना करें। विभिन्न रूपों में बार बार प्रयोग की जा सकने वाली वस्तुओं का प्रयोग करें। सूखी पत्तियों कूड़े को जलाने से बचें। दूसरों को इस बारे में जागरूक करें। बच्चों, ये लेसन मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, इसके क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गए होंगे। अब इसमें आपको सामान क्वेश्चन तो आपको प्रश्न अभ्यास करने, एक क्वेश्चन रचना और विभक्ति का करना है जो मैंने बताया है। आठों क्वेश्चन मैं उम्मीद करती हूँ आप कर लोगे और पीडीएफ नहीं जाएगा आपको, वीडियो देख के समझ के लेसन को करना है। थैंक यू।